देशवासियों से भी बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीजेपी के पक्ष में जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट मिलने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक बड़ी वजह ये रही कि बीजेपी ने सामाजिक समीकरणों को सबसे अच्छी तरह से साधा। इस दिशा में यूपी चुनाव से पहले ही काफी तैयारी शुरू कर दी गई थी। अपना दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसी छोटी छोटी पार्टियों से समझौते किए गए जो कि बड़े इलाके में जाति विशेष पर अपना प्रभाव रखते हैं। इसके अलावा अति पिछड़ी जाति के केशव प्रसाद मौर्य को राज्य अध्यक्ष बनाया गया जो कि अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को खींचने में कामयाब भी रहे। केशव मौर्य को अब यूपी का उप मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है, इसीलिए बीजेपी को अब नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। बताया जा रहा है कि पार्टी का अगला लक्ष्य अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के दलित वोट बैंक को अपने पाले में खींचने का है और इसी कवायद में आलाकमान प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान किसी दलित नेता को सौंपने पर विचार कर रहा है। दलित वोट बीजेपी के साथ जुड़ गया तो 2019 में पार्टी की जीत और भी विराट हो सकती है, इसीलिए बीजेपी के तमाम दलित नेताओं के प्रभाव का आकलन कर उनके नाम पर मंथन शुरू कर दिया गया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आलाकमान की नजर में जो नेता बताए जा रहे हैं उनमें कौशाम्बी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर, आगरा से सांसद रामशंकर कठेरिया, हाथरस से सांसद राजेश कुमार दिवाकर, बुलंदशहर से भोला सिंह और नगीना से डॉक्टर यशवंत सिंह बताए जा रहे हैं। यूपी सरकार में पूरब के नेताओं को तवज्जो मिली है तो बीजेपी बैलेंस बनाने के लिए अध्यक्ष का पद पश्चिम के किसी नेता को दे सकती है और इस बात को लगभग तय ही माना जा रहा है। ऐसे में रामशंकर कठेरिया, राजेश कुमार दिवाकर और भोला सिंह को अध्यक्ष पद की कमान मिलने की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस मामले में संघ से भी चर्चा की है और दोनों के बीच किसी दलित नेता को अध्यक्ष पद की कमान सौंपने की लगभग सहमति बन चुकी है। संघ के लोगों का भी मानना है कि बीजेपी को भावी राजनीति के मद्देनजर दलित बिरादरी को साधना बेहद जरूरी है और इसके लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद की कमान किसी दलित नेता को सौंपना बेहद जरूरी है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत भले ही मिला, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर मायावती के दलित वोटों के साथ अल्पसंख्यक मतों का जुड़ाव हो जाता तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत इतनी विराट नहीं होती। बीएसपी के मुस्लिम कार्ड खेलने के बावजूद अधिकांश मुस्लिमों की पसंद समाजवादी पार्टी ही रही, इसलिए मायावती इसका फायदा नहीं उठा सकी। अब नतीजा देखा जा चुका है और लोकसभा चुनाव 2019 में दलित मुस्लिम गठजोड़ हो भी सकता है, इसलिए बीजेपी पहले से तैयारी में जुट गई है। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।